आओ चलें ईश्वर के द्वार, आओ चलें हरि द्वार। ना हो नौकरी और ना चले व्यापार, तो कुछ पुण्य कमाने आ जाओ हरिद्वार। तो भाई इसलिए कुछ पुण्य कमाने मैं भी आ गया हरिद्वार, और अगर आप भी हरिद्वार आना चाहते हो तो आप अपने व्हीकल से आ सकते हो। अगर आप दिल्ली से आते हो हरिद्वार तो आपको 4 घंटे का समय लगेगा हरिद्वार पहुंचने में। अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आते, अगर आप बस से आना चाहते हो तो बस से भी आ सकते हो हरिद्वार के लिए। डायरेक्ट आपको बस हर जगह से मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली से आना चाहते हो तो दिल्ली से भी आ सकते हो हरिद्वार। 375 रुपये कश्मीर गेट से, दिल्ली के कश्मीर गेट है वहाँ से 375 रुपये में हरिद्वार बस आपको छोड़ देगी। अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हो तो ट्रेन से भी आ सकते हो। हर जगह से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आमने सामने है। आप हरिद्वार आओगे तो आपको वहाँ पे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप मात्र 10 रुपये देकर हर की पौड़ी तक पहुँच सकते हो। हम हर की पौड़ी की पार्किंग में आ चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, और गाड़ी खड़ी करने के बाद जो इसका चार्ज लग रहा है 50 रुपये चार्ज है कि पार्किंग है यहाँ की। पार्किंग का नाम है रोड़ी वेलवाला पार्किंग, हर की पौड़ी के पास में पड़ती है पार्किंग। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हर की पौड़ी पर जा रहे हैं हर की पौड़ी पर जाके स्नान करेंगे, और तुम्हें भी दिखलाते हैं अपने साथ हर की पौड़ी का स्नान। भाई हरिद्वार के मेन गेट पे हम आ चुके हैं। हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं गंगा जी नहाने के लिए। कुछ ऐसा नज़ारा है, भीड़ पूरी है। इधर सामान मिल रहा है, बोतलें प्रसाद जो भी कुछ लेना हो वो सब मिल रहा है। हमने भी एक छुटकी सी बोतल ली है, 1 10 रुपये की मिली है। दोस्तों हरिद्वार को ना गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। गंगा द्वार जो नाम है ये बहुत पुराना नाम है, फिर बाद में हरिद्वार इस जगह का नाम रख दिया गया, और इसको हरि का द्वार भी बोला जाता है। क्योंकि हम चार धाम की यात्रा करते हैं तो हमें हरिद्वार से ही चार धाम की यात्रा की शुरुआत करनी पड़ती है, तो इसलिए ये भगवान का द्वार है एक तरीके से। हमारे चार धाम की यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। हम कभी भी चार धाम की यात्रा के लिए जाते हैं तो हरिद्वार में गंगा स्नान करके ही जाते हैं, ये यहाँ की मान्यता है। अक्टूबर के टाइम में फिर द्वारा भोले बाबा ने बुला लिया। इससे पहले मैं आया था जुलाई में, जब कांवड़ का टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, पूरा रास्ता भरा हुआ था। रस तो अभी भी है, भीड़ तो अभी भी है, तो मैं दिखलाता हूँ, वो देखो सामने। पूरी भीड़ हो रही है यहाँ पे, और 10:30 बजे हम यहाँ पहुँचे। सुबह 5:30 बजे निकले थे, हर की पौड़ी पर पहुँचते 10:30 हो गए। अब हम गंगा स्नान करेंगे यहाँ पे। भाई यहाँ पे शौचालय की सुविधा मिल जाती है, जिस भाई को नहीं पता शौचालय की सुविधा, तो हर की पौड़ी के पास में शौचालय की सुविधा है। निःशुल्क सुविधा है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी आइटमें मिल जाती हैं, जगह जगह खाने पीने की सुविधा है, और पार्किंग की सुविधा तो बाहर है, मगर कुछ लोग यहाँ पे गाड़ी ले आते हैं, अंदर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, हमने तो बाहर ही खड़ी करी है। चोटी वाला अस्थि प्रवाह घाट। अब भाई यहाँ पे स्नान करेंगे हम हरिद्वार में, और स्नान करने के बाद फिर जाएंगे मनसा देवी के दर्शन करने। अब तुम्हें कराता हूँ हर की पौड़ी के दर्शन। गांधी जयंती पर देखो भीड़ कितनी है। 2 अक्टूबर है, छुट्टी का दिन है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर।
सबको देख रख के मुझे भी नहाने का मन कर रहा है। अब मैं भी बस नहाने जा रहा हूँ, अब मिलता है तुमसे नहाने के बाद। दोस्तों हर की पौड़ी के पास में हम पहुँच चुके हैं, श्री गंगा मंदिर के सामने आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरीके के यहाँ पर 4-5 मंदिर बने हुए हैं। जय महाकाली, महाकाली का भी मंदिर है सामने। गंगा जी का स्नान तो हमारा हो चुका है। गंगा जी नहाने के बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब कपड़े चेंज कर लिए, गंगा जी नहा लिए। काफ़ी ठंडा पानी था, अच्छा लग रहा था। यह गंगा नदी दो नदियों से मिलकर गंगा नदी बनती है। एक का नाम है भागीरथी और दूसरे का नाम है अलकनंदा। आप अगर केदारनाथ कभी जाओगे तो रास्ते में आपको देखने को मिल जाएगा, देवप्रयाग नाम की एक जगह है, वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर ये गंगा जी बनती हैं। यहाँ पर कुछ सामान भी आपने को मिल जाएंगे खरीदने के लिए। डमरू मिल जाएगा, ये देखो सामने पड़े हुए हैं। मालाएँ मिल जाएंगी जगह जगह, काफ़ी सारे सामान यहाँ पर खरीदने के लिए मिल जाते हैं। गंगा माता के दर्शन कर लिए, हर की पौड़ी पे नहा लिए। यहाँ पे जूते चप्पल उतारने की जगह नहीं थी तो कुछ इस तरीके से रोड पे जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद में जाएंगे मनसा देवी के दर्शन करने। लच्छा पराठा, मिक्सी रोटी मार्केट है। अब हम जा रहे हैं मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। मनसा देवी के दर्शन करेंगे। धूप निकल चुकी है, सुबह के टाइम हम जब निकले तो ठंड लग रही थी बहुत तेज। अब थोड़ा गर्म मौसम हो गया है तो गंगा जी में नहाने के बाद थोड़ा आराम मिला शरीर को। चलो भाई अब मनसा देवी माता के दर्शन कर लेते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, 2 अक्टूबर का टाइम है। मनसा माता जी के दर्शन करेंगे हम पार्ट 3 में। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।